सॉल्विंग परसेंटेज, हम परसेंटेज को सॉल्व कर रहे हैं। आई हैव अ क्वेश्चन, कहता है कि 76% ऑफ पीपल ऑन एरोप्लेन आर ब्रिटिश, व्हाट परसेंट ऑफ देम आर नॉट। अब जब आपके पास एक परसेंटेज दी हुई हो, आपको बोले कि ये मेरे पास ये परसेंट है और मेरे पास कितनी परसेंट नहीं है, तो उसको मैं क्या सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपको करना है टोटल परसेंट माइनस द परसेंटेज यू हैव इक्वल टू रिक्वायर्ड, या योर आपके पास रिक्वायर्ड है या विच वन यू डोंट हैव। लाइक हमें पता है टोटल परसेंट कितना होता है, 100%। तो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर या यहाँ पे वो क्या है, 100%। सो टोटल परसेंट विल बी 100% है हमारे पास। अब माइनस परसेंटेज यू हैव, हमारे पास 76% पैसेंजर वो कहता है कि क्या है, वो ब्रिटिश हैं। तो 76% हमारे पास क्या आ गए, ब्रिटिश आ गए इसमें। तो कितने परसेंट ब्रिटिश नहीं है, तो वी विल सब्ट्रैक्ट इट 100 से। हम क्या करेंगे, 76 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दैट विल बी 10 24। तो 24% ऑफ पीपल वी डोंट हैव ब्रिटिश इन आवर एयरलाइंस। सो ये हमारे पास आ गया 24%। 100% टोटल नंबर्स जो होते हैं ना, वो 100% होते हैं। 100% माइनस जो नंबर आपके पास है वो, और उसके बाद दूसरा आ गया है वो। अब मेरे पास नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि एक बंदे की डिडक्शन है इनकम टैक्स की, डिडक्शन ऑन इनकम टैक्स, क्या क्या उसका डिडक्शन हो रहा है। वो 21% एक हो रही है, एक 21% हो रही है, 8% सेकेंड डिडक्शन है हमारे पास, एंड थर्ड है 7%। सो ये टोटल डिडक्शंस उस पर डिफरेंट आइटम्स पे, डिफरेंट पैकेजेस पे, परसेंट पे, इस पर डिडक्शंस हो रही है। तो हमें कहता है कि उसके पास कितनी परसेंटेज है वो उतनी रखता है। लाइक टोटल उसके पास 100% है, मींस उसकी सैलरी 100% है। सैलरी जो टोटल होगी वो 100% है। उस सैलरी से वो 21% वो दे देता है, अपना इनकम टैक्स देता है, किस पे, पेंशन स्कीम पे और हाउस पे देता है। ये सारे उसकी परसेंटेज की डिडक्शन हो जाती है। अब उसके पास बाकी क्या बच गया, कितने पैसे बच जाते हैं वो हम दिखाएंगे। अब टोटल होता है 100। अब जो टोटल डिडक्शन हो रही है इसमें हम क्या करेंगे, टोटल डिडक्शन पहले करेंगे, टोटल डिडक्शन इन सब को जमा कर देंगे 7। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 21, 8, 29, 7, 36%। सो टोटल जो उसके पास डिडक्शन हो रही है इनकम टैक्स की, वो 36% है। सो टोटल उसके पास है कितनी, 100% है, माइनस डिडक्शन हो रहा है 36%। सो दैट विल बी इक्वल टू, आपने क्या करना है, 100 से 36 को माइनस करें। ये आपके पास आएगा 10, 4 और आ गया 4, और 9 में से 3 निकाला 6, तो दैट विल बी इक्वल टू 64%। ही हैव 64%, आपके पास इसका आंसर आ गया, ही हैव 64%। सिंपल इज दैट। जितने आपको डिडक्शन उसने सारी दी हुई है, ये एक एक आइटम पे उसने डिडक्शन दी हुई है, आप उन सब डिडक्शंस को प्लस करो। उसके पास टोटल उसकी सैलरी है 100%, मीन्स जो उसके पास पॉकेट में सैलरी उसकी है वो 100% है, उसमें से वो 36% टैक्स दे देता है, तो बाकी उसके पास क्या रह जाएगा, 64%। सो दैट्स हाउ वी विल वी आर सॉल्विंग द परसेंटेज। आपके पास इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बाय बाय।